सम्मानित अधिवक्ताओं, सादर नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2010 से पहले के एडवोकेट्स किस तरह सीओपी प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूं 2010 और उसके बाद में एलएलबी करने वाले अधिवक्ताओं द्वारा सीओपी नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया को। तो अब नोट कीजिए, 2010 और उसके बाद में जो एलएलबी की डिग्री प्राप्त करते हैं वे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे एज एन एडवोकेट। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के 2 साल के अंदर उनका AIBE परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। अब ये भी ध्यान दीजिए, बहुत से अधिवक्ता AIBE पास करने पर जो कार्ड प्राप्त होता है उस कार्ड की एक साइड लिखे COP नंबर को ही अपना फाइनल COP नंबर मान लेते हैं, किंतु मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ कि वह केवल COP नंबर प्राप्त करने की ओर आपका एक कदम है। COP नंबर प्राप्त करने के लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जो कि 2 पेज का होता है। अपने वेल ड्रेस 2 फोटो लगाने होंगे, एक प्रथम पेज पर और दूसरा पारदर्शी एनवलप में 2 पेज पर अटैच करना होगा। 2 पेज पर अपनी बार के अध्यक्ष या महासचिव के सिग्नेचर कराने होंगे और उनकी स्टाम्प भी लगवानी होगी। फिर अपने सिग्नेचर फुल नेम के साथ करने होंगे, इनिशियल नहीं। आपको AIBE का नेट से रिजल्ट डाउनलोड कर उसकी कॉपी लगानी होगी, अपने आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी, फिर हाई स्कूल से लेकर एनरोलमेंट तक के सभी मार्कशीट सनद डिग्री की कॉपी लगानी होगी और उन सभी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा। यदि किसी अधिवक्ता के पास AIBE पास करने पर प्राप्त होने वाला कार्ड है तो वह रिजल्ट की कॉपी के स्थान पर उसे भी लगा सकता है। और ये भी नोट कर लें कि आपको अब 250 रुपये का BCUP के नाम ड्राफ्ट पर लगाना होगा जो अभी 7 जनवरी 2021 से लागू किया गया है। ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर व एड्रेस अवश्य लिखें, साथ ही फॉर्म में भी अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। और इस सब के बाद फॉर्म को लिफाफे में रखकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को या अगर जल्दी चाहते हैं तो माननीय श्री शिवकिशोर गौड़ एडवोकेट जी के सिविल कोर्ट खुर्जा के एड्रेस पर भेज दें, क्योंकि वहां उनके सहयोगी इंद्रजीत जी आपका फॉर्म रिसीव करेंगे जो माननीय श्री शिवकिशोर गौड़ एडवोकेट जी के कार्यों का बखूबी निर्वहन करते हैं। वे जल्द ही आपको आपका COP नंबर और कार्ड दिला देंगे। तो अब देर मत कीजिए और COP नंबर प्राप्त कर बगैर किसी रोक टोक के वकालत कीजिए। वैसे भी अब COP नंबर वकालत करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और हाँ, COP नंबर प्राप्त करने के बाद माननीय सर का आभार व्यक्त करना मत भूलिएगा। मैं तो अभी ही सर का धन्यवाद कर रही हूँ। हम सभी अधिवक्ताओं का भविष्य संवारने में सहयोग के लिए माननीय श्री शिवकिशोर गौड़ एडवोकेट जी और माननीय इंद्रजीत जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद।